गोकुल, जैन, आई लव यू गोकुल। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सोमा से प्यार करता हूं। डोंट से दैट प्लीज। कल सुबह बात करेंगे। कल सुबह शायद मेरे लिए ना हो। प्लीज प्लीज गोकुल, डोंट हैंग अप। मेरी एक रिक्वेस्ट, एक आखिरी इच्छा, एक बार फ्लूट बजा दो। जैन, गोकुल, गोकुल, thank you.
माफ कर दो मैम साहब, मैं चोर नहीं है। तो फिर ये सब क्यों? भूख ओ खाली, आपके विंडो का ग्रिल नहीं था तो यही वास्ते मैं इधर को आया। हाथ पांव तो ठीक है, काम क्यों नहीं करते? काम नहीं मिला मेरे को, दो दिन पहले गांव से आया था, सबके आगे हाथ फैलाया, भूख बर्दाश्त नहीं हुआ था तो यही वास्ते में। मैं जाता मैम साहब, माफ कर दो। सुनो, कुछ खाया? रुको मैं देखती हूँ कुछ है तो। कुछ नहीं। तुमने चेक कर लिया पूरा? पेरेंट्स घर पर नहीं है, मैंने भी मैगी ही खाया, बिस्किट वो भी नहीं है, क्या करें? पिज्जा, हाँ पिज्जा खाओगे? पिज्जा सेंटर है नजदीक पर, एक सेकंड मैं फोन करती हूँ। हाँ हेलो, पिज्जा सेंटर? यस दिस इज 6232617। यस आई वॉन्ट अ डबल चीज कंट्री पिज्जा। वॉट 50% ऑफ अ नेक्स्ट पिज्जा? यहां पर अगले पल का पता नहीं, तुम अगले पिज्जा की बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, इट्स ओके, दैट्स ऑल। आधा घंटा राइट? ऑल राइट, थैंक यू। पिज्जा आ जाएगा आधे घंटे में। मैम साहब आप काय को वो? अब पिज्जा आएगा खाने का और निकल जाने का। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैंने किया है, दिल से और जान से। उसकी तरह झूठी कसमें नहीं खाई मैंने, सच्चा प्यार किया है मैंने, ट्रू लव। अगर तुम ना आते ना तो मैं भी रोमियो जूलियट ही रांझा लैला मजनू की तरह एक अमर प्रेम कहानी बन जाती। दे लव बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ। ये लोग मेरे माता पिता, इन लोगों को प्यार नहीं करते। मैं गोकुल को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। लगता है पिज्जा वाला आ गया, एक सेकंड।
कम, ये लो पिज्जा। इसे देखकर तो मुझे भी भूख लग रही है। स्पाइस चलेगा? ये हुई ना बात, बनने से पहले एक शानदार पिज्जा। पेपर चलेगा? तो काली मिर्ची है? नहीं, मेरे को नहीं खाना मैम साहब। क्यों? पर तुम्हें तो भूख लग रही थी। मैम साहब, इसी की वजह से सबके आगे हाथ फैलाया मैं, चोरी करने को इधर को आया। पेपर के वास्ते? क्या ना मैम साहब, हम किसान हैं जी, हमारे खेत में ये पेपर है ना, पेपर, काली मिर्ची, इसका बहुत जोर का धंधा था। 8 साल पहले 27,000 रुपया, 27,000 रुपया एक क्विंटल, और पिछले साल 6,000। ये पेपर इधर का नहीं मैम साहब, विदेश का होगा। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया है ना, दूसरे देश का माल इधर काफी सेब इधर मंगवाने का, और जो यहाँ पहुँचता है उसका क्या है, ऊपर से बाढ़ आएगा, अकाल आएगा। अब आप ही बताओ मैम साहब, किसान लोग क्या करेगा, मरेगा नहीं तो क्या करेगा? जैसे मेरा भाई मर गया फांसी पर लटक के, खेजड़ी के पेड़ से रस्सी लटका के, जैसे आप लटक रहा था मैम साहब, पर मेरा भाई प्यार के वास्ते नहीं मरा। प्यार बड़ा लोग करता है, जिसका पेट भर होता है। हम लोगों को तो मरने का ही है, ऐसे वो मरो वैसा मरो, मरने का ही। पर अब काय को मरता है मैम साहब? भाई आपके पास तो सब कुछ है, अच्छा खाने को है, अच्छा पहनने को है, अच्छा फ्लैट है रहने को, लड़का भी कोई ना कोई अच्छा मिल ही जाएगा मुझे। मरना तो हमको है ना, इस मिर्ची के वास्ते मैम साहब, ज्यादा सोचने का नहीं है, खुश रहने का मैम साहब हैं। आपने ये मंगाया, बहुत बड़ा उपकार किया मैम साहब, पर अब तुम इसको खा नहीं सकता मैम साहब। राहत के सिवा आ